वेलकम टू XPHY एजुकेशन। मैं मोहम्मद ज़फ़र, हमारे एजुकेशनल क्लासरूम पार्टनर है आचार्य इंस्टीट्यूट पनकी। यदि आप हमारे यहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट acharya.in पर विज़िट कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारा हीट ट्रांसफ़र। आज हम लोग ऊष्मा स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हीट ट्रांसफ़र यानी कि ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तभी जा सकती है जब उन दोनों बिंदुओं के बीच में कोई तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर एक रॉड ले रखी है जिसके इस पॉइंट पर जो है टेम्परेचर वो हाई टेम्परेचर है और इस पॉइंट पर टेम्परेचर जो है वो लो टेम्परेचर है। तो ऊष्मा हमारी जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगी। तो बेसिकली ऊष्मा स्थानांतरण क्या है? ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और यह तभी संभव है जब दोनों बिंदुओं के बीच में तापांतर हो। ऊष्मा सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की बेसिकली तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड है आपका चालन यानी कि कंडक्शन, दूसरा है संवहन यानी कि कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन यानी कि विकिरण। आइए एक एक करके देखते हैं सब। पहला पॉइंट है आपका चालन यानी कि कंडक्शन। चालन क्या होता है? ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में पदार्थ के अणु अपने स्थान से हटे बिना ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं, यानी कि इसमें पदार्थ के अणु अपनी जगह पर बने रहते हैं और उसके साथ साथ ऊष्मा का स्थानांतरण आगे की ओर करते रहते हैं। चालन जो है वो हम ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में होता है। सबसे अधिक चालन जो होता है वो ठोसों में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैसों में होता है। चालन सबसे कम गैसों में होता है, इसीलिए गैसों को ऊष्मा का कुचालक भी कहा जाता है। लोहे का एक सिरा गर्म करने पर दूसरा सिरा जो गर्म हो जाता है उसका कारण ही है चालन। इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक रॉड ली हुई है जिसके एक सिरे को हम लोग गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से क्या होगा, इस सिरे का जो कण होगा वो ऊष्मा लेगा और लेने के बाद अपने स्थान से हटेगा नहीं, कंपन करने लगेगा। कंपन करते हुए वो आगे वाले कण से टकरा जाएगा और अपनी ऊर्जा जो है वो आगे वाले को दे देगा। फिर वो कण जो है वो कंपन करने लगेगा और वो अपनी ऊर्जा को फिर आगे बढ़ा देगा। इस तरीके से जो है हमारा दूसरा सिरा जो है वो गर्म हो जाएगा। अगला है आपका संवहन यानी कि कन्वेक्शन। संवहन यानी कन्वेक्शन, ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि में पदार्थ के अणु अपने स्थान से हटकर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। याद रखिएगा चालन में क्या हो रहा था, पदार्थ के अणु अपने स्थान से हटे बिना ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहे थे, लेकिन संवहन में क्या होता है, पदार्थ के अणु अपने स्थान से हटकर ऊष्मा का स्थानांतरण करते हैं। यह क्रिया केवल द्रवों और गैसों में ही होती है, ठोसों में नहीं होती है। संवाहन की क्रिया जो है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी कि बॉटम टू टॉप डायरेक्शन में होती है। इसका एग्जांपल है पानी का खौलना। पानी का खौलना जो है वो संवाहन की एक क्रिया है। इसको समझने के लिए यहाँ पर हमने एक बीकर लिया हुआ है जिसमें जल भरा हुआ है और उसको हम लोग यहाँ पर गर्म कर रहे हैं। गर्म करने से होगा क्या, तली के पास का जो कण होगा, तली के पास का जो कण है वो ऊष्मा लेगा और ऊष्मा लेने के बाद क्या हो जाएगा, उसका ताप बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि गर्म वस्तु जो होती है वो हल्की होती है, तो ये कण ऊष्मा लेने के बाद ऊपर की तरफ आएगा। जब ये कण ऊष्मा लेने के बाद ऊपर की तरफ आ जाएगा तो इस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर से एक ठंडा जल की बूंद नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर वो गर्म होके क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, फिर उसकी जगह भरने के लिए ऊपर से ठंडा जल नीचे आएगा, और इस प्रकार जो है पानी हमारा खौलता है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है वो बॉटम टू टॉप हो रहा है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है। अगला आपका है विकिरण यानी कि रेडिएशन। विकिरण क्या होता है, इस क्रिया के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है और विकिरण सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। विकिरण ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, वो हर डायरेक्शन में बराबर होगा। सूर्य से जो पृथ्वी पर प्रकाश आता है वो विकिरण के द्वारा ही आता है। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, हमने कहा कि वो विकिरण के द्वारा आ रहा है, और आप ये जानते हैं कि सूर्य जो है वो सभी दिशाओं में समान रूप से प्रकाश या विकिरण हमको देता है।
आखिरी पॉइंट है, विकिरण जो होता है वो हमेशा प्रकाश की चाल से होता है, यानी कि 3 × 10^8 मीटर प्रति सेकंड के चाल से होता है। नोट करके यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट बनाया है चालन, संवहन और विकिरण को इकट्ठे समझने के लिए। तो यहाँ पर आप, हमने जो आपको बताया उसमें कंक्लूजन पर आते हैं कि इसमें कंक्लूजन क्या है, फाइनली हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या होगा। तो पहला था आपका चालन। चालन को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखिए कि कई सारे मान लीजिए विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो एक लाइन में बैठे हैं। पहले वाले स्टूडेंट को हमने कैंडी दी हुई है, टॉफ़ी, और हमने उससे कहा है कि आखिरी वाले बच्चे को देना है। तो वो क्या कर रहा है, अपनी जगह पे बना रहकर पीछे वाले को दे रहा है टॉफ़ी, फिर वो अपनी जगह पे बना रह के आगे वाले को, पीछे वाले को दे रहा है, फिर वो उसके पीछे वाले को दे रहा है, ऐसे करके टॉफ़ी जो है वो आपकी आखिरी वाले बच्चे को मिल गई। तो यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि जो माध्यम के कण हैं वो अपने स्थान पर बने ही हुए हैं। तो चालन में क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, लेकिन माध्यम के कण अपनी जगह पर बने रहते हैं। संवहन में आइए, संवहन में क्या है, मान लीजिए कई सारे विद्यार्थी एक लाइन से बैठे हुए हैं। पहले वाले विद्यार्थी को हमने कैंडी दी और हमने कहा कि इसको आखिरी वाले को देना है, तो उसने क्या किया, उठा अपनी जगह से और सीधे जाके पीछे वाले को दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, माध्यम के कण अपने स्थान से हटकर ऊष्मा का स्थानांतरण किए हैं, यानी कि अपने स्थान से हट के वो पीछे जाके सीधे दिया हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, संवहन हो जाएगा। लास्ट है आपका विकिरण। विकिरण में क्या है, फिर वैसे ही कई सारे विद्यार्थी एक लाइन से बैठे हुए हैं और हमने कहा हुआ है कि जो पहले वाला विद्यार्थी, उसको कैंडी देकर ये कहा है कि इसको सबसे पीछे वाले को देना है, तो उसने क्या किया, अपने स्थान पर रहकर उस कैंडी को हवा में फेंक दिया सीधे उसकी तरफ। तो ये क्या हो गया, आपका विकिरण को दर्शाएगा। तो यहाँ से आप देख के पता लगा सकते हैं कि सबसे तेज जो ट्रांसफ़र हुआ है वो विकिरण में हुआ है, उससे कम संवहन में और सबसे कम चालन में हुआ है। तो याद रखिएगा, फाइनल पॉइंट यहाँ पे क्या कंक्लूजन पे निकला है, कंक्लूजन हमारा यहाँ पर ये निकला है कि जो विकिरण की दर होती है वो सबसे अधिक होती है, उससे कम संवहन होता है और सबसे कम चालन होता है। तो याद रखिएगा, विकिरण सबसे तेज होता है वो भी प्रकाश की चाल से, उससे कम संवहन होता है, और सबसे धीमा जो प्रोसेस होता है वो चालन का होता है। थैंक यू।